जय हिंद, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आपके साथ मैं जानवी। चलिए बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। जानकारी के अनुसार भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर करना है, आम लोगों की पीड़ा को उजागर करना और यह दिखाना कि यह कैसे राष्ट्र हित के लिए हानिकारक है। वर्ष 1991 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस वर्ष राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की आधिकारिक घोषणा 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद की गई थी। वे तमिलनाडु में आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे। इसके बाद वीपी सिंह सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों आदि में आतंकवाद विरोधी शपथ ली जाती है, जिसके चलते मऊरानीपुर कोतवाली परिसर में आतंकवाद विरोधी दिवस के मौके पर समस्त पुलिस कर्मियों को कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह के द्वारा शपथ दिलवाई गई, जिसमें निरीक्षक राम प्रकाश, उप निरीक्षक शिवम सिंह, जितेंद्र सिंह, श्याम सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट।